जैसे निकासी की कोई सीवरेज लाइन, कुछ पाइपलाइन कुछ बिछाया गया या नहीं बिछाया गया? बिछाया गया पर बंद है, पानी नहीं आ रहा उसमें। अच्छा, कब से नहीं हो रही है निकासी और कब बनाया गया था वो? जब से बना है तब से। कब कब बनवाया गया? दो तीन साल, 5 साल हो गए। पानी जो है वो आपके घर में घुस रहा है और आपके घर का पानी निकास नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ऐसे तो मच्छरों की समस्या है, तमाम समस्या अच्छा आप लोग वोट देते हैं तब बात करते हैं कि नहीं कि भैया सड़क बनवा दीजिए? हम सब कुछ करेंगे लेकिन कुछ नहीं करते, तो फिर वोट देंगे? सारी कॉलोनी की यही इच्छा है। तो पानी की समस्या जब तक निजात नहीं होगी तब तक आप वोट नहीं? वोट किसी की नहीं देंगे, ना कांग्रेस की देंगे, ना बीजेपी की देंगे, ना और किसी की भी नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जब हम जगह जगह जा रहे हैं तब हमें तमाम तरीके की समस्याएं पता चल रही हैं। जिस देश को लगातार विश्व गुरु बनाने की कवायद की जा रही है, जिस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए तमाम न्यूज चैनल लगातार उतारू हैं, उसी विश्व गुरु की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये गलियां हैं और गलियों में जो पानी भरा हुआ है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ से सीवर का पानी भी नहीं निकल पा रहा है, निकासी की कोई भी समाधान नहीं किया गया है और ये समस्या लगातार महिलाओं के लिए एक तमका बनता जा रहा है। लगातार इससे परेशान हो रही हैं महिलाएं और यहां से निकलने वाले लोगों के लिए भी ये काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहां खड़ा रहना किसी भी मुश्किल से कम नहीं है। नाक खोल कर आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये आपके लिए बीमारियों का घर हो सकता है। यहाँ लगाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मेरे पीछे जो कैमरामैन है उन्होंने भी मास्क लगाया है और मेरे साथ जो तमाम लोग पीछे खड़े हैं उन्होंने भी मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन फिलहाल इस मास्क के जैसे लेकिन फिलहाल इस गंदगी में रहने को मजबूर जो तमाम घर में लोग हैं, जो घर हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गंदगी में क्यों जी रही हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। ये पानी है कब से भरा हुआ यहाँ पर? ये तो घने दिन से भरा, कई सालों से। और इतनी गंदी बदबू यहाँ पे हमेशा आती रहती है, बदबू बहुत आती है, रहना दुश्वार हो रहा है यहाँ पे। आप जब आती जाती हैं तो इसी तरीके से दुपट्टा बांध के आती जाती हैं, क्या करें? यहाँ पड़ता है ऐसे, क्या करें? घर ही यही है तो क्या जाए। अच्छा, मेरे को पता चला कि रोहतक में पानी की समस्या है। हाँ जी, पानी की समस्या, पीने का पानी नहीं है। रोडों पे पानी है जी। अच्छा, जैसे निकासी की कोई सीवरेज लाइन, कुछ पाइपलाइन कुछ बिछाया गया या नहीं बिछाया गया? बिछाया गया पर बंद है, पानी नहीं आ रहा उसमें, निकासी नहीं हो रही है। अच्छा, कब से नहीं हो रही है निकासी और कब बनाया गया था वो? जब से बना है तब से। कब बनवाया गया? दो तीन साल, 5 साल हो गए। 5 साल? हाँ जी, 5 साल से ऐसे ही है, जब से गली बनी है ना तब से ऐसे ही है, पानी नहीं आया। पाइप दबवा दी है और हमारी तो गली भी नहीं बनी है, आगे चल के देखो और भी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये पानी हमेशा ऐसे इकट्ठा रहता है तो बारिश होती है? निकलना नहीं जाता, गोटे गोटे तक पानी आ जाता है यहाँ पे। तो बारिश के दिनों में कैसे रहते हैं आप लोग? क्या करें जी, अपने घरों में रहते हैं, पानी जब निकल जाता है निकल ऐसे कपड़े उठा कर चलना पड़ता है। बारिश चला जाता ना गली से, बारिश चला जाता है बाद में जब निकलते हैं घरों के अंदर ही घुस जाए मैम। हाँ, यो गंदा पानी घर के अंदर भी घुस जाता है। क्यों यो बिछाया पीछे गली ऊंची होगी, घर नीचे हो गए। इस मारे मेरा घर का जाकर देखो मेरा पानी कहीं से नहीं निकल रहा, बाकी बाहर का पानी मेरे अंदर घुसता है। तो गलियों का पानी जो है वो आपके घर में घुस रहा है और आपके घर का पानी निकास नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ऐसे तो मच्छरों की समस्या है, तमाम समस्या घर के अंदर बड़ा लग रहा पानी, देखने बरंडे में बड़ा लग रहा, सारा घर में देखो बड़ा लग रहा, कि चलन की जगह रास्ता देखो अंदर तो आने का रास्ता है। देखो पहले क्या है, या पानी भरा गंद भरा कई तरह के, डेंगू मलेरिया तमाम तरीके की बीमारियां होती है। फिर यहाँ पे सब बीमार रहते हैं, ठीक नहीं रहते। 8-9 साल से पहले कच्ची थी ये गली, अब ये पक्की होगी तो ये हाल हो रहा है। कच्ची में तो था ही थी, पक्की में उससे ज्यादा हो गया। अच्छा, आप लोग वोट देते हैं तब बात करते हैं कि नहीं कि भैया सड़क बनवा दीजिए? हम सब कुछ करेंगे लेकिन कुछ नहीं करते, बाद में कुछ बनते हैं ना तो फिर बात भी नहीं करते। विधायक जी, सांसद जी आते हैं कि नहीं आते? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, 5 साल कोई नहीं आता। मेरे ने कोई आके भी नहीं देखा, वोट लेने के लिए आई थी, बाकी यहाँ आकर नहीं देखा क्या चल रहा है।
अच्छा अभी दोबारा से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपके सांसद चुने जाएंगे तो दोबारा लोग आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए? हम तो दे नहीं थी। रही है तो वोट मांगने के लिए, अगर हमारा कुछ समाधान करेंगे तो हम वोट देंगे, हमने वोट नहीं देंगे। तो इस बार आप कैसे फैसला करेंगी कि कैसे कैसे आपको चुनना है एक सही व्यक्ति को? ये तो क्या बताएं, फिर वोट देंगे पहले हमारी इच्छा पूरी करो फिर वोट देंगे, सारी कॉलोनी की यही इच्छा है। तो पानी की समस्या जब तक निजात नहीं होगी तब तक आप वोट नहीं, वोट किसी की नहीं देंगे, ना कांग्रेस की देंगे, ना बीजेपी की देंगे, ना और किसी की भी नहीं देंगे। आपको क्या लगता है किसी एक पार्टी ने आपके लिए काम किया, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की? अभी तो 5 साल से किसी ने नहीं किया, 5 साल से पहले ये गली है ना, जैसे अड्डे पानी बनाई थी कांग्रेस ने बनवाई थी, वो कांग्रेस ने करवाई थी, लेकिन बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी 1% भी नहीं किया, रुआया रुआया सिर्फ उसने, जितनी प्रेस जो सी गली छोड़ी थी सारी ये गलियां। फिर हमारा काम नहीं हुआ, सीवर रुके हुए मैम, 10 बार ये लड़का जा चुका है, एप्लीकेशन लगा वहाँ, लगा हुआ तो वहाँ भेज दे, वहाँ लगा वहाँ आवा तो वहाँ भेज दे, वो लगता था ये घुमा रहे हैं, देखने को नहीं आ रही थी। आपका लड़का क्या था एप्लीकेशन लेकर? ये छोटू राम नगर निगम भी गया था, वो मानसरोवर पार्क के सामने भी गया था। तो वहाँ से क्या जवाब मिला? वो मानसरोवर पार्क वाले वहाँ निगम में भेज दी, निगम वाले वहाँ भेज दे, हमारे अंडर में नहीं है, ऐसे बोल रही है, ऐसे घुमा रही है। अच्छा यहाँ खड़े हैं आप, पैरों में खुजली कर रही हैं, मच्छर काट रही हैं, काट रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जीना कितना मुश्किल है, क्या करें जी, इतनी मजबूरी है, सुबह क्या ना कोई रोटी भी खा ले, और शाम ना बाहर बैठ सका, 1% भी बाहर नहीं बैठ सकते, इतनी बदबू आती है बहुत जोर से। ये इसी कॉलोनी का हाल है या और भी तमाम घर? हम तो आगे से आगे भी चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोई सीवरेज लाइन नहीं है, कोई पाइप लाइन नहीं है फिलहाल काम में, कुछ नहीं है जी, यहाँ पे निकासी नहीं है, दबा तो रखे हैं, पाइप भी बीड़े बीड़े है छोटे छोटे, हाँ लेकिन उसका बाहर नहीं निकालना, क्योंकि आगे कोई निकासी नहीं है, यहाँ के भरे पड़े हैं, कुछ नहीं है इनमें, डाले डालने के बाद कोई इसकी इसकी सफाई वगैरह नहीं कराई जाती है? नहीं करते, एक बात है सफाई कोई नहीं आता, आते हैं फोन करते हैं, नहीं वो गली नहीं, हम नहीं आते, मना कर देते हैं। क्यों इस गली में ऐसा क्या है? सारा गोबर ही गोबर बोलते है, गोबर वाली गली है। अच्छा ये देखो, ठीक है, जो तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगी इस पूरी कॉलोनी की, वो तस्वीरें जो लगातार यहाँ के लोगों को समस्या दे रही हैं, और ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों की सच्चाई है कि किस तरीके से ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं, कितनी मुश्किलों में इनका गुजारा हो पा रहा है। इतनी बदबू यहाँ पर आ रही है, यहाँ से ना कोई निकासी की ना कोई समस्या का निदान किया गया है, और ना ही इस पूरी कॉलोनी में इस तरीके का कोई काम किया गया है जिससे इन लोगों के लिए कोई भी समाधान हो सके। ऐसे में लोग जो है वो आप देख सकेंगे, कई सारी महिलाएं हैं वो दुपट्टा लगा के चल रही हैं, और कई सारी महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि यहाँ शाम को बाहर निकलना भी दुश्वार है, और ये पानी की जो समस्या है जो जाम देख रोबोट इसी देव देख के निकलती है सारी गाल भरी है पानी की, आके देख लो थामी, कोई तो हमारा भला करेगा। हाँ ये देखो आके ना पानी, देखो आके ना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कॉलोनी देखो आके ना, गंदगी का अंबार ये कॉलोनियों में लगा हुआ है, और यहाँ के लोग इसी गंदगी के अंबार के बीच में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि इसका समाधान करने के लिए कोई यहाँ पर नहीं आता है। लोग कह रहे हैं कि सांसद विधायक आते तो है लेकिन वोट लेकर चले जाते हैं, और उसके बाद इनकी सुध-बुध लेने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में इन जो तमाम कॉलोनियों में जो लोग जी रहे हैं उनके लिए क्या कोई समाधान करने वाला है? क्या लोग वोट मांगने के बाद वाकई इन लोगों के लिए काम करेंगे? ये एक सवाल मैं आप पर छोड़ते हुए जा रही हूँ, जवाब अपना कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।